तो बहुत सारे लोग जो है वो सियालदह से तो कैसे गंगा सागर जाना है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना ही दिया था, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो इस बात पे भी डाउट हो रही है कि फिर गंगा सागर से सियालदह कैसे आना है। तो देखो रूट सेम रहेगा, लेकिन आपको जो है वो फेरी की टाइमिंग आपको देख लेनी है। ओके, फेरी की टाइमिंग जो है वो आप गंगा सागर के वेबसाइट पर भी देख सकते हो और गंगा सागर की जो है वो ऐप है उस पर भी देख सकते हो। ओके, या फिर आप जो है वो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे भी पूछ लेना तो आपको बता देंगे। तो आप जो है वो या तो फेरी में आप देखोगे तो बहुत ही सस्ती आपको 9-10 रुपये के आसपास टिकट पड़ती है, लेकिन अगर आप जो है वो लॉन्च से जाओगे तो आपको अराउंड 40 रुपीज़ टिकट पड़ती है। ओके, तो लॉन्च जो है वो टाइम भी ज़्यादा लेता है, अराउंड 1 to 1.5 आवर्स लेता है, और फेरी जो है वो अराउंड हाफ एन आवर के अंदर जो है वो आपको इस पार से उस पार करा देती है। तो लॉन्च यूजुअली जो है वो प्राइवेट्स के रहते हैं और फेरी जो है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है। तो फेरी आपको नामखाना से भी मिल जाती है, नामखाना से गंगा सागर के लिए बेनुबान के लिए। ओके, ये सब आप चाहे तो नोट कर लो, नामखाना से बेनुबान या फिर बेनुबान से नामखाना। ओके, तो जब अगर फेरी आपको नहीं मिले तो आप जो है वो बेनुबान घाट से जो है वो नामखाना के लिए जो है वो आप पकड़ सकते हो लॉन्च। ओके, आप पूछ लेना कि कैसे जो है वो जाना है तो वो आपको पता चल जाएगी, और फेरी की टाइमिंग के हिसाब से ही आपको जो है वो अपना डेस्टिनेशन और अराइवल ये सब डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत रात तक फेरी पूरी रात भर नहीं चलती है और मिस टाइमिंग है उसकी। तो टाइमिंग देख लेना, तो पहले आप जो है वो कपिल मुनि आश्रम से आ जाओ फेरी पे यानी गंगा सागर पे, और वहाँ से या फिर बेनुबान घाट, और बेनुबान घाट से जो है वो फिर आप जो है वो इधर गंगा नामखाना आ जाओ या फिर काकदीप आ जाओ। ओके, काकदीप में फिर आप रेलवे स्टेशन नियर बाई आ जाओ। ओके, पूछ लेना, आपको सभी फैसिलिटी मिल जाएगी, और फिर जो है वो काकदीप से के जो रेलवे स्टेशन से आपको फिर सियालदह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ओके, तो सियालदह जो है वो नियरेस्ट मीन्स कोलकाता का एकदम हब है, तो फिर सियालदह में अगर एक बार आप पहुँच गए तो कोलकाता में आप वहाँ से फ़्लाइट हो या फिर आपको कहीं भी ट्रेन हो बस हो, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, सो आई होप मैं आपको एक समराइज़ कर दे रहा हूँ। कपिल मुनि आश्रम से आपको आना है बेनुबान घाट या फिर जो है वो गंगा सागर के लिए आप पूछ लेना है फेरी। ओके, और वहाँ से फिर आपको आना है काकदीप या फिर आपको आना है नामखाना, और नामखाना में और काकदीप में जो है वो ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ट्रेन से आप सियालदह आ जाओ, और सियालदह के बाद आपको जहाँ जाना हो आप चले जाओ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।